कहानी की शुरुआत एक बड़े से मेंशन से होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। सिर्फ चम्मच प्लेट से टकराने की आवाज़ आ रही थी। उसका फैमिली डिनर चल रहा था। तभी एक लेडी जो इस मेंशन की ओनर थी वो सर्वेंट से कही, आए कहाँ है, क्या वो फिर से डिनर के लिए हमारे साथ नहीं आ रहा। तो वो सर्वेंट अपना सर झुका लेता है जिसका मतलब साफ था आज वो फिर से उनके साथ डिनर नहीं करने वाला था। मिसेस वी यूसाई कर फिर से अपने खाने पर ध्यान देने लगी। तभी उनका दूसरा बेटा जिसका नाम चैंग, वो बोला, मॉम ये ब्रदर को हो क्या जाता है, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, सीरियस फेस लेकर घूमते हैं। तो फिर उनकी छोटी बेटी जिसका नाम यानी थी वो बोली, मॉम क्या मैं जाऊँ घबा को बुलाने, तो यूँ मना कर देती है। वो देखी विंग नीचे आ रहा था तो यूँ बोली, आएंग हमारे साथ डिनर। विंग बीच में बोल पड़ा, मॉम मैं जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आते हुए कहा, इम्पोर्टेंट मीटिंग वही दो कौड़ी का बर्क के लिए। तो यूँ उसे रोक कर बोली, हनी बस करो, कब तक तुम मेरे बेटे को ऐसे ही सुनाते रहोगे। तो बी फेंगयान बोले, बेटा मुझे नहीं लगता ये मेरा बेटा है, हमेशा अपनी मन की करता आया है। तो बीइंग बोला, ओके डैड मेरा जॉब दो कौड़ी का है तो रहने दीजिए, कम से कम मैं खुश हूँ। फेंगयान बीइंग को देखते हुए बोले, आइंग अभी भी टाइम है, छोड़ दे वो म्यूजिक इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, हम दोनों साथ में काम करेंगे तो और ज़्यादा पैसे आएंगे। विंग बोला, म्यूजिक मेरा फैशन है डैड, मैं नहीं छोड़ सकता। और विंग वहाँ से जाने लगा तो फेंगयान पीछे से चिल्लाते हुए बोले, ठीक है देखता हूँ ये तेरा फैशन कितने दिन तक तेरा साथ देगा। विंग पूरी तरह इग्नोर कर वहाँ से चला गया। विंग अपना सारा गुस्सा ड्राइविंग पर निकाल रहा था। वो काफ़ी स्पीड पर रोड के में कार चला रहा था। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे विंग को अपना कार मोड़ना पड़ा, पर इस कारण से वो एक बॉय को हिट कर देता है और वो लड़का नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके हाथों से सारे सामान भी ज़मीन पर बिखर जाता है। विंग खुद को कोसते हुए बाहर आया और जल्दी से उस लड़के को उठाया। वो लड़का एक ही बात को रिपीट कर रहा था, मेरे बैगेस, ओ वेजिटेबल मैं उठा देता हूँ, कहते हुए विंग सारे वेजिटेबल्स को एक थैले में इकट्ठा करने लगा और लड़के को दे दिया और सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। इधर विंग मेंशन में लर्निंग वी यू से मिलने आई थी। वो अपने साथ पुर्ते को लेकर आई थी जिसे देखकर चैंग और एनली उसे ग्रीट करती है और यू उनके गले लगती है और मुस्कुराते हुए बोली, लिंग तुम क्यों तकलीफ दी, मुझे बुला लेती, मैं गपशप करने के लिए आ जाती। तो लिंग बोली, हाँ बुलाती तो, पर मैं यहाँ एक काम से आई हूँ, क्या तू मेरा एक काम कर सकती है। तो यू बोली, ऐसा मत कर, सिर्फ हुक्म कर, मैं तेरी दोस्त हूँ। तो लिंग साय कर बोली, तुम्हें पता है ना मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसलिए काम के सिलसिले बाहर जाना पड़ता है, प्लीज़ तू इवो को एक हफ्ते तक यहाँ रख ले, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। यू बोली, तेरा पोता है ना, इवो हमारे साथ आराम से रह लेगा। लिंग बोली, थैंक यू, अगर तू ना होती तो पता ना क्या होता। तो यू पाउट बनाते हुए बोली, ऐसा मत बोल, वैसे कहाँ है तेरा पोता, आई एम सॉरी अब तो हैंडसम दिखता होगा। लिंग बोली, नहीं यू वो हैंडसम नहीं बल्कि ब्यूटीफुल है, पर उससे सामने मत बोलना। या श्योर, यू बोलते हुए लिंग के साथ हंसने लगी। लिंग इवो को बुलाती है और यू से मिलवाती है। इवो 90 डिग्री में झुककर यू को बो करता है। लिंग नर्वस हंसते हुए इवो से बोली, बेटा इतना नहीं झुकना था, अब बस हाँ इनसे मिलो, ये है वी यू इस घर की मालकिन और अब से तुमको इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है, ठीक से रहना बेबी। यस मॉम मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। हेलो मेरा नाम इवो है, मैं एक, इससे पहले इवो अपनी बात कंप्लीट करे लिंग उसके पीछे से हिट कर की और हंसते हुए बोली, और बहुत हुआ इंट्रो, तुम्हें अच्छे से रहना, राइट बेबी। इवो उसकी बातों पर सिर हिलाया। इसके बाद लिंग सभी को ग्रीट करके गुड बाय कर वहाँ से चली जाती है। ये सब दूर से चैन और याली भी देख रहे थे।
चेंग सोचता है कितना अजीब है ये लोग और मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया है। याली सोचती है पर मैडम लैन के पोते का नाम लैन ईवो कब पड़ा उसका नाम तो। याली काफ़ी सोचती है पर उसे नाम याद नहीं आ रहा था, वो भी वहाँ से चली गई। दूसरी ओर क्लाउड स्टूडियो में बैठा विंग पी रहा था, उसने 3 बॉटल खत्म कर दिया था। तभी उसका सेक्रेटरी आया जो हाउसवाइफ था, वो विंग को ऐसी हालत में देखकर बोला, विंग अब कितना पिएगा, वैसे भी तुझे चढ़ गई है। तो विंग स्वान की तरफ देखते हुए बोला, पी लेने दे आज, मैं बहुत कम में हूँ। स्वान अपना आंखें रोल किया, वो कहा, वो तो रोज होता है, नया क्या है। स्वान बेंग का बचपन का दोस्त है, म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद बेंग का सेक्रेटरी बन गया। तुझे पता है आज फिर से डैड ने मुझे खूब सुनाया, पता नहीं उस मिस्टर वी फेंगयान को मुझसे क्या चाहिए। स्वान साय किया और बेंग को उठाने लगा, वो कहता है, बेंग तुझे चढ़ गई है, इतना क्यों पीता है। हाँ कम से कम आंटी यू का ख्याल रखता। हाँ मुझे मॉम के पास जाना चाहिए, कहते हुए बिंग अपने लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। श्वान फिर से शाय किया और बिंग के पीछे गया उसे पकड़ने के लिए। इधर यू टेंस थी, बिंग की अभी तक वापस नहीं आया। श्वान बिंग को संभालते हुए वी मेंशन ले आया, बिंग ड्रंक था इसलिए श्वान डायरेक्ट उसे रूम पर शिफ्ट करता है। बिंग अपने बगल पर सौंप पाया, उसे हक कर सो गया। सुबह 8 बजे विंग के रूम से शोर सुनाई देता है तो सभी उसके देखने गए, जहां विंग इवो की तरफ पॉइंट कर बोला, मॉम ये कौन है और मेरे रूम में कैसे आया। यो मुस्कुराते हुए बोली, विंग ये लिंग का पोता है, 1 हफ्ते तक ये हमारे साथ रहेगा। सॉरी विंग, गेस्ट रूम रिकवर में है इसलिए इवो को तुम्हारे रूम में ही रखना पड़ा। विंग राहत की सांस लिया, वो यू की तरफ देखते हुए बोला, मॉम मेरे सर में दर्द है। हाँ हाँ रात में जो बड़ा काम किया है दर्द तो होगा ही, जिस पर विंग मुंह बनाते हुए बोला, मॉम आई एम सॉरी, कल मैं बहुत अपसेट था इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ये बोली, ओके फ्रेश हो जाओ, मैं मेडिसिन भिजवाती हूँ, कहते हुए यू वहाँ से चली गई। यू के पीछे पीछे सारे नौकर भी वहाँ से चले गए। विंग यूगो की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आती। हाँ क्या तुम सोते नहीं हो। तो विंग बोला, मुझे नींद नहीं आती है, मैं कभी भी सोता नहीं। विंग यूगो की बातों पर अपनी आंखें रोल करता है, वो मंबल कर रहा था, इट्स रियली बियर्ड। बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद विंग तौलिए से अपना सर पोछते हुए बाथरूम से बाहर आया, वो देखा इवो वहीं बैठा हुआ एकदम सेम पोजीशन में। तो विंग पूछा, क्या तुम्हें बाथ नहीं लेना, क्या इसके लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा। तो इवो विंग को देखते हुए बोला, जब तक मुझे कोई कमांड नहीं देता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग बोला, ठीक है जाओ और बाथ ले लो। इवो बोला, कमांड एक्सेप्टेड। तो विंग उसे रोकते हुए बोला, ये लो मेरे कपड़े यूज कर लो, आई एम सॉरी आंट ली ने तुम्हें कपड़े नहीं दिए होंगे। इवो हाँ पर सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। विंग उसे देख रहा था, वो सोचता है ये अजीब है, पर हाँ घुसू वाले रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तभी ये ऐसा है। फिर विंग नीचे चला गया डाइनिंग टेबल पर। विंग ब्रेकफास्ट कर वहाँ से अपनी स्टूडियो के लिए चला गया। इवो भी नीचे आया, जिस पर यू उसे पूछती है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई, आई होप तुम्हें विंग ने परेशान नहीं किया होगा। इवो, तुम्हें विंग के साथ वेल बिहेव रहना पड़ेगा, थोड़ा वो अनमेच्योर है इसलिए वो बात बात पर गुस्सा कर हो जाता है। तो इवो बोला, विंग यू हाँ बोलती है और किचन की तरफ चली गई। इवो वहीं खड़ा को सोचता है फिर यू के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ स्टूडियो में विंग स्मोक कर रहा था जिसे स्वान इरिटेट हो रहा था। वो बोला, विंग क्या हम थोड़ा काम कर लें, हमें नेक्स्ट सॉन्ग लॉन्च करना है और मत बोलना अगले दिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी है इसलिए तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा गला क्लियर होना चाहिए। तो विंग स्मोक कंटिन्यू करते हुए बोला, रिलैक्स ब्रो, कल हम
कल का शेड्यूल ही कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दूं? ये तुम बोल रहे हो, पता है इससे हमने कितना मेहनत किया है। स्वयं अब पूरी तरह इरिटेट हो गया। बीन का बिहेवियर कुछ सालों बाद चेंज हो गया है, जिसे वो पैशन कहता था, इसके लिए ही लॉयल नहीं था। बीन सोफे पर पूरा टिकते हुए बोला, कहीं भी पीस नहीं है जहां से शांति से रहा जा सके। बीन उठते हुए स्वयं से कहा, तुझे पता है मुझे बहुत खाली खाली महसूस होता है। इतनी दौलत मेरे पास, इतना फेम होने के बावजूद भी खाली लगता है, जैसे कोई कमी है, किसी चीज की कमी है। तो स्वयं समझ रहा था विंग किस बारे में बात कर रहा है। विंग अभी यंग है, इसके लिए डिजायर का होना आम बात है, ये हर इंसान को जरूरी होता है। स्वयं साई के हर बोला, मेरी मान तो किसी के साथ सेक्स कर ले तो रिलैक्स हो जाएगा। पर किसके? वीन पूछा, जिस पर श्वान सोचता है मैं पड़ गया। ये बात सच है, वीन तो किसी का टच पसंद नहीं करता है। श्वान इसका कोई जवाब नहीं देता और डायरेक्ट बोला, एनीवेज वीन रेस्ट कर, कल तुम्हारा इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं चलता हूँ। कहते हुए श्वान चला गया। वीन अभी भी स्मोक कर रहा था। दूसरे दिन वो डाइनिंग टेबल के सारे सामान को अरेंज कर रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे, वीन वहाँ आया। उसका कोट उसके शोल्डर पर था और उसका फेस, उसके बाल पूरा मैसी था। वो स्टूडियो पर ही सो गया था और सुबह होते ही मैं भी मेंशन आ गया। वो उसके सामने आते हुए बोला, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दूँ वीन? वो 2 बार पलक झपका कर दोबारा बोला, क्या तुम ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगे बीइंग? बीइंग उसके आंखों को ही देखे जा रहा था, मानो वो उसमें खो ही गया। वो अपने सेंस में वापस आते हुए बोला, तुम मेरा नाम रिपीट क्यों कर रहे हो? तुम अजीब हो। एनीवेज क्या बना है? बहुत जोर से भूख लगी है मुझे, कहते हुए बीइंग जाकर टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बीइंग लैपटॉप पर वर्क कर रहा था, पर उसका नज़र बार बार ईगो पर जा रहा था जो कि क्लीन करने पर बिजी था। बीइंग बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए नौकर हैं। तो ईगो जवाब दिया, मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए ये सब कर रहा। तो बीइंग बोला, तो शांति से बैठ जाओ। ईगो कुछ सोचकर फिर बोला, शांति तो इंसानों की ज़रूरत है। बीइंग ईगो के एक बियर्ड लुक देता है और साहिकार अपने वर्क पर लग गया। इवनिंग को बीइंग सेक्रेटरी स्वयं उसे पिक करने के लिए आया होता है, क्योंकि आज रात में ही बीइंग का परफॉर्मेंस था। श्वान अगला शेड्यूल चेक करते हुए बोला, बीइंग इस बार शो पर कोई तमाशा मत कर देना, तुम्हें पता है ना बीइंग ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे पता है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बीइंग इरिटेट होकर कहा। श्वान शाय कर बोला, मैं तो तेरी फलाई के लिए बोल रहा था, पिछली बार तूने पीकर कितना तमाशा किया था। इस बार श्वान शो पर अल्कोहल को रखने से मना कर देता है। श्वान को पता है बीइंग को स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ये तब से स्टार्ट हुआ जब उसने ये करियर चूज किया। ऑफकोर्स इसे उसके डैड खुश नहीं हुए और हर वक्त सिर्फ बीइंग को कोसते रहे। इवन अपने बेटे चेंग को भी बीइंग से दूर रखने लगे, कहीं चेंग बीइंग की जैसा ना बन जाए। फिर एक रीज़न नहीं था फेंगमैन के हेट करने का, दूसरा रीज़न भी था जो कि उसको पता चल गया था, बीइंग के सेक्सुअलिटी का, कि बीइंग एक कट स्लीव था, जिसे फेंगमैन की नफरत बीइंग के प्रति और बढ़ गई। वो ऑलमोस्ट बीइंग का पर चिल्लाते थे। बीइंग को डॉक्टर के पास भी ले गए ताकि उसका इलाज कर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीइंग ने जाने से ही मना कर दिया। बीइंग को पता था ये कोई बीमारी नहीं है जिसे डॉक्टर ठीक करे। इस तरह फेंगमैन पूरी तरह बीइंग को नाराज रहने लगा और बीइंग डिप्रेस, इसी कारण बीइंग को डिप्रेशन की बीमारी हो गई।